एटलीस्ट 3000 मील्स का बफर हम रेडी, कुछ रेडी सामान रखते हैं इस सफर के लिए, इस मंजिल के लिए कभी मैं चली ही नहीं थी। इनको माशाल्लाह से बहुत से अवार्ड मिले हैं, आज हम उन अवार्ड के बारे में भी इनसे बातचीत करेंगे। क्लीनर्स, ड्राइवर्स, गार्डनर जो बहुत मिल जाते हैं आरटीए म्युनिसिपैलिटी में। आई वाज वर्किंग इन बीएसएनएल इन इंडिया। बोनलेस ही यूज करते ताकि उनके पेट में पूरा मीट जा सके। माशाल्लाह माशाल्लाह। महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, आयशा खान, तीनों एक ही शहर से है, अहमदाबाद, गुजरात। बिलोंग करती हैं और इनको, इनकी हम जर्नी के बारे में पूछते हैं और ये कितना बड़ा काम कर रही हैं यूएई के अंदर, उस बारे में इनके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सिस्टर जी। सिस्टर प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को बताइएगा अपनी जर्नी के बारे में, आप कब यूएई में आई और आपका बैकग्राउंड क्या है इंडिया में, और थोड़ी सी हमारे व्यूवर को ये बताइएगा। जर्नी के बारे में बताना बहुत बहुत खुशी की बात लगती है मुझे, क्योंकि इस सफ़र के लिए, इस मंजिल के लिए कभी मैं चली ही नहीं थी। मैं तो जैसे एक आम, हर आम इंसान जो दुबई जाते हैं, बड़ा पैसा बनाते हैं, उस टाइप की मेंटालिटी सोच के अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके डू के लिए यहाँ लाई गई थी। आई वॉज़ वर्किंग इन बीएसएनएल इन इंडिया, जो कि टेलीकॉम जॉइंट है। तो यहाँ पे कुछ 60 टेलीकॉम एक्सपर्ट्स चाहिए थे जब डू को लॉन्च करने वाले थे, तब इत्तेसलात था, डू नहीं था। जी, 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 जी। तो मेरे जैसे और लोग भी लाए गए थे, तो हम लोग आके हम डू का लॉन्च प्रोजेक्ट कर रहे थे। सो जैसे डू लॉन्च हो गया, उसी दिन इनफैक्ट लॉन्च पार्टी में मुझे आरटीए के अंदर पिक कर लिया गया। तो मेरा सफर वॉज लाइक बैक टू बैक, यू नो, बड़े बड़े असाइनमेंट्स एंड ग्रोथ, लाइफ में ग्रोथ। तो कहना बहुत आसान है कि ग्रोथ वॉज ट्रेमेंडस, लेकिन उसमें प्रेशर भी ट्रेमेंडस होता है। इंसान जब तरक्की पाता तो जिम्मेदारी भी तो ज़्यादा हो जाती है। तो वो स्ट्रेस बस्टर करने के लिए वो मुझे कुकिंग बहुत पसंद था, मुझे आता कुछ भी नहीं था। तो मैं इंटरनेट देख देख के कुछ ना कुछ खाना पका दिया करती थी, इससे मेरा स्ट्रेस थोड़ा कंट्रोल हो जाता था और दूसरे दिन फिर मैं अपने काम पे कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। बस यही था, वहाँ से मैंने कुकिंग शुरू की। अब फ्रिज भर जाता था कुछ दिनों में, क्या करें इन सब चीज़ों का, खाना फेंकना तो गुनाह है, बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या करें, तो मैं अपने क्लीनर्स, ड्राइवर्स, गार्डनर्स जो बहुत मिल जाते हैं आरटीए म्युनिसिपैलिटी में, उनसे रिक्वेस्ट करती, भैया आप ट्राई करेंगे, मैंने कुछ बनाया है। तो वो सब बेचारे ले जाते थे और सारे के सारे तारीफें करते थे। मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं बहुत अच्छी कुक हूँ। अच्छा, अब ये तो मुझे पता नहीं लेकिन वो बहुत अच्छे दिल के थे, सब बहुत तारीफ करते थे। तो मैं शायद उस खुशफहमी में आ गई कि मैं एक बहुत अच्छी कुक हूँ। लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि मैं उन सब की ज़िंदगी में एक रोल प्ले करने लग गई हूँ, क्योंकि मेरे इस फ्री फूड की, एक्सपेरिमेंटल फूड की वजह से उनके पैसे बचने लग गए। वो पैसे उनके घर जाने लगे, किसी के बच्चे पढ़ने लगे, किसी के माँ बाप का इलाज होने लग गया, 50-60 मील्स पर मंथ फ्री होने लग गए थे उनके। ज़्यादा नहीं, 12-15 लोग थे, क्योंकि मुझे हिसाब नहीं था, तो चावल लाती थी पूरा ही डाल देती थी, ऐसे ऐसे करके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बन जाता था। मेरा अपना कोई खर्चा था नहीं, तो सारा ही मैं बस ये खाना पकाना वाज ओनली एक्सपेंस। सिस्टर आप ये बताइए कि आपने जब ये फूड एटीएम एक माशाल्लाह ब्रांड बन गया यूएई के अंदर, अल्लाह ताला आपको और भी ज़्यादा इज्जत दे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जस्ट 3 दिरहम में आप एक मील दे रही हैं, और वो कैसे मैनेज हो पा रहा है, आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट कैसी हैं, और आपका यहाँ का किचन भी अभी डेफिनेटली हम लोग विजिट करेंगे, तो थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि हाउ डू यू मैनेज दिस ऑल थिंग्स। सी ब्रदर, अगर सोचें तो सच में बहुत बड़ा काम लगता है, स्पेशली ऐसे एक इंसान के लिए जिसके पास इस काम का ना कोई एजुकेशन है, ना तजुर्बा है, कुछ भी नहीं था मेरे पास, बस रास्ते पे मैं चल पड़ी। द ओनली मकसद दैट आई हैड वॉज के जो लोग मेरी ही तरह, दे माइट बी फीलिंग हंग्री, दिन में 2-3 बार, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ इतनी दौलत थी कि मैं 3 टाइम खाना खरीद सकती हूँ। आज महंगा, यू नो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ सो मच, कॉस्ट इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कुछ लोग शायद ना ले पाते हों, 3 टाइम खाना ना ले पाते हो। तो मेरे दिल में सिर्फ वही था कि कैसे उन तक मैं खाना पहुँचा सकूँ। सिस्टर आप ये बताइए कि आपको ये जो आप ये एक सखी दिल आप ये जो काम कर रही हैं, इसके लिए आपको माशाल्लाह जैसे आपने बताया कि जब आप जॉब कर रही थी तो तब भी ये कर रही थी, तो ये व्हेन डिड यू फील वेरी हैप्पी टू गिव द फूड टू द पीपल, यानी कि अगर आप अभी भी खाना ज़हरी बात दे रही हैं तो समटाइम ज़हरी बात है, आप देखते हैं यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, मोस्ट ऑफ द कंट्री लोग ये जो हैं यहाँ पर आके जॉब करते हैं, तो समटाइम दे डोंट हैव अ वर्क, तो हम मैंने ये भी सुना है कि आप लोग उनको फ्री भी फूड दे देते हैं, तो उस हवाले से बताएं कभी आपको ऐसा प्राउड फील हुआ कि यार मैंने आज इसकी हेल्प की है तो अल्लाह ताला इसका मुझे अजर दे। अल्हम्दुलिल्लाह,
ज़िंदगी का हर दिन अब अच्छा ही महसूस होता है। जब इस सफ़र के लिए मैं चली थी, इट वॉज़ लाइक मी वर्सेज मिडल ईस्ट, मैं अकेली एक तरफ, सारा मिडल ईस्ट एक तरफ। हमने एक गलत ट्रेडिशन बना दिया था कि खाना कब देना है मिस्कीन को रमदान में, क्या देना है इफ्तार। तो क्या एक इफ्तार देने के बाद अगले रमदान तक उसे भूख नहीं लगेगी, या क्या एक इफ्तार देने के बाद मैं अच्छी इंसान हो गई? नहीं। सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड। I wanted all my brothers and sisters to understand कि सिर्फ इफ्तार देने से हम अपनी जिम्मेदारियों से फ्री नहीं हो गए हैं, हमें ये लगातार देना। इंसान जब मैं दिन में 3 बार खा सकती हूँ तो क्या उसे नहीं दे सकती? चलो आप रोज ना दे, आप वीकेंड्स पे दे दिया करें, बच्चों के बर्थडे पे दे दिया करें। आज वो दिन आ गया है ब्रदर कि आज 4 साल पूरे हो गए, हमारे 5वें साल में है। ये मतलब, ये जो मेरा मकसद था दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड एंड कंटिन्यूसली गिव फूड नॉट ओनली इन रमदान, ये अब हो रहा है। आप देखेंगे लोग आके कम से कम 100-200 मील्स ले लेते हैं और उन्हें खिलाते हैं जिनके पास शायद वो भी नहीं है, एक 3 धर्म का मील खरीदने का भी नहीं। सिस्टर आप ये बताइए कि ओवरऑल आपके कितने किचन चल रहे हैं यूएई के अंदर और कितने लोगों को आप मील प्रोवाइड कर रहे हैं इन वन डे? वेल अभी हम लोग 4 लोकेशन पे, अजमान पे 2 लोकेशन, शारजा में 1, रासल खेमा में 1, ऐसे करके 4 लोकेशन। तो चारों लोकेशन पे खाने पकते हैं, पैक होते हैं, बढ़ते हैं। तो ओवरऑल आप का कहना का मकसद ये है कि आपके जो मील आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो 35 के हैं? इट क्रॉसेज दैट, बट इसीलिए हाँ, इसलिए सो वी कीप अ बफर अप टू 50-55 लाइक दैट। द रीज़न इज दिस ओनली, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि क्या होगा। सही। तो आप इंडिया में, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए कि इंडिया में आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आपका इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा है? मैं अक्सर मीडिया से कहती हूँ कि महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, आयशा खान, तीनों एक ही शहर से है, अहमदाबाद, गुजरात। अच्छा, तो माशाल्लाह। अभी तो अहमदाबाद एक स्टेडियम भी मेरे ख्याल बना है, इट्स वर्ल्ड कप सम टाइम। या इट्स क्वाइट सम टाइम। तो अब आसान हो गया अहमदाबाद बताना, क्योंकि महात्मा गांधी वहाँ से है, नरेंद्र मोदी वहाँ से है, इट बिकेम मच इजियर। सो आप भी वहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह। सो यस, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, एंड हमारे यहाँ पे जो चीज़ मिसिंग थी वो मुझे यूएई में आके मिली। हमें वहाँ पे पाकिस्तान से जैसे जानकारी सिर्फ मैच की थी, इंडिया पाकिस्तान मैच, बस वहाँ तक हमारी जानकारी थी। और फिर एक एक टीम बन जाती थी, मैं पाकिस्तान, तू इंडिया, और ये मैच देखते थे, उसके ज़्यादा हमारी कोई जानकारी नहीं थी। जब हम यहाँ आए तो पता चला इट इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री विद ब्यूटीफुल पीपल। उसी तरह 200 देश के लोग यहाँ एक परिवार की तरह रहते हैं। आज मेरे टीम में मेरे मोस्ट चहीते टीम मेंबर्स आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, नॉट फ्रॉम इंडिया। ये तजुर्बा जो है ये मुझे इंडिया में नहीं मिला, मुझे यहाँ पर प्रैक्टिकली मिला जब लोगों से। तो नासरीन, अभी हम आपको लेके चलते हैं किचन में। आए सिस्टर, हम किचन में चलिए। आइए, अभी हम आपको दिखाते हैं इनका किचन। सिस्टर अभी हमें विजिट करवाएंगे, क्या क्या एक्टिविटी हो रही है इनसाइड द किचन। आए सर, ये डेफिनेटली पार्सल हो रहे हैं? हाँ जी, सो ये पार्सल हो रहे हैं। इफ़ यू सी दिस इज, एक पार्सल दिखाओ। सो दिस इज़ अ राइस मील, ओके। तो ये चिकन बिरयानी हो गया, उसमें फ्राई पीस चिकन हो गए। अब इसके इसको पैक करेंगे, मैं आपको पैकिंग दिखाती हूँ। आइए सिस्टर, ये माशाल्लाह से इसमें कितने किलो राइस और चिकन बनाया गया, कितने लोगों को? ये छोटी वाली डेग है, तकरीबन 350-400 मैक्स। उससे बड़ी डेग जैसे वहाँ पे है उसमें 800 तक जाता है, एक है हमारा 1000-800। तो चावल जो दम लगाते हैं, सो इट विल बी लाइक 400-800 हज़ार। और ये जो राइस यूज हो रहा है ये बासमती राइस है? दिस ओनली बासमती, क्योंकि बाकी राइस जो है छोटे और मोटे हो जाते हैं, तो उसमें ये बिरयानी नहीं बनती, नहीं बन पाती, तो इसलिए हम लंबे वाले लेते हैं। तो ये गाइस आप देख लें, फुल हाइजीनिक तरीके से काम हो रहा है। अगर सस्ता खाना मिल रहा है तो क्वालिटी वाला मिल रहा है। ये बेसिकली आपको किचन में ला के दिखाने का मकसद ये था। आप ये दिखा दें स्टाफ जो है, नॉट ओनली फॉर द वीडियो, ये प्रैक्टिकली जो है यहाँ पर इस तरीके से काम करते हैं। सिस्टर जो है ये इसको मॉनिटर मतलब देखती रहती है आगे। वी आर HACCP सर्टिफाइड बिल्कुल, फॉर ऑल द हेल्थ स्टैंडर्ड्स। तो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये सब भी हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। चिकन की जो है वो क्वालिटी चेक कर लें। चिकन जो प्रोवाइड किया जा रहा है आज, आई थिंक मेन्यू में बोनलेस चिकन डाला जा रहा है। एवरी डे इट्स बोनलेस, क्योंकि भाई अगर हम 100 ग्राम का पीस देते हैं उसमें ज्यादातर जो बोन वाले देते हैं उसमें बड़ी सी हड्डी निकल जाती है, तो उनके पेट में क्या गया, क्या गया। इसीलिए हम बोनलेस ही यूज करते ताकि उनके पेट में पूरा मीट जा सके। माशाल्लाह माशाल्लाह। गाइस आपको बताते चलें कि ये यहाँ पर आप देख लें, फुल
जितनी भी यहाँ पर प्रोडक्ट पढ़िए, प्रॉपर तरीके से पढ़िए और स्टोर के अंदर पढ़िए, आप देखें ये हाई क्वालिटी के जो हैं ट्रिपल XL जो हैं वो राइस यूज़ हो रहे हैं, जो बिरयानी के लिए यूज़ हो रहे हैं, और ये राइस जो हैं अच्छे खासे रेस्टोरेंट, जो महंगे रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर यूज़ होते हैं। तो सिस्टर आई विल बी से टू थैंक यू टू यू, यू आर प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट टू द पीपल। देखिए कहावत है कि जब देते हैं किसी को तो समझो खुदा को दे रहे हो, तो हम अपने खुदा को क्या बुरी चीज दे सकते हैं? क्या बात, इसीलिए मैं 1.5 घंटे की ट्रेवल करके आपके पास आया हूँ कि ये सब चीजें हम लोगों को हाईलाइट कराएं, क्योंकि मैं एक शेफ हूँ और मैं शेफ की नजर से भी देख रहा हूँ, मुझे प्राउड फील हो रहा है कि यू आर डूइंग दिस गुड जॉब। थैंक यू जी। आए जी, आपको दूसरी साइड दिखाते हैं। प्रॉपर तरीके से जो है वो पैकेजिंग होती है, अंदर भी दिखाइए और ये भी दिखाइए। ये आई थिंक 700 जो है वो पार्सल अभी जो है वो जा रहा है। नासरीन, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम फूड ATM के वेयर हाउस में मौजूद हैं। आप देख लें, ये काफ़ी बड़ा वेयर हाउस है और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो है वो स्टोरेज किया हुआ है फूड प्रोडक्ट। सिस्टर थोड़ा सा इस हवाले से बताइए। देखिए, हमें टर्न्स में सामान भरना पड़ता है, उसकी वजह है कि वरना हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा अचानक 2-3 हज़ार आ गए सुबह ब्रेकफास्ट में, उसी तरह लंच में और डिनर में तो कहाँ जाएंगे। तो उतने चावल, उतने तेल, चॉकलेट, नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला सब रखना पड़ता है। ओके, तो ये मतलब जितने भी पॉइंट हैं सबके साथ ऐसे ही वेयर हाउस? हाँ, हर एक के लिए हमें ऐसे स्टॉकिंग करना पड़ता है, वरना वी विल गो रॉन्ग। अब लोग जब आएंगे खाना खाने के लिए, अब हम बोलेंगे सामान नहीं है, इसलिए हमें सब तैयार रखना पड़ता है। तो 3500 के को रोज खाना खिलाना है, तो फिर इस तरह की चीजें बैकअप पे होनी, बैकअप में रखना पड़ता है। उस तरफ सारे गरम मसाले पड़े हुए हैं, लाल मिर्ची, मतलब चढ़ना उतरना थोड़ा मुश्किल है, बट हमने वो ट्रॉलियां रखी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, बस जरी बात है, बस हाईलाइट करना था कि जरा लोगों को ये भी दिखा देते कि ऐसा नहीं है कि तीन धर्म का खाना है और वो खाना आप दिल में ऐसी चीज मत सोचें कि आपको खाना अच्छा नहीं मिलता। आपको खाना प्रॉपर स्टैंडर्ड वाला मिलता है, म्युनिसिपैलिटी का जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करके यहाँ पर, गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स, हेल्थ स्टैंडर्ड्स, क्योंकि UAE में तो उसके बगैर काम कर ही नहीं सकते। सो ऑल दैट हैज गॉट प्रूव्ड इज के हेल्थ, अपना जो फूड इंडस्ट्री है उसमें फूड पे मार्जिन बहुत लगाते हैं। अगर मैं 3 धर्म में कर सकती हूँ, मतलब पॉसिबल है। इसकी जो लोकेशन, जितने भी इनके फूड पॉइंट हैं उन सब की लोकेशन जो है हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। आप यहाँ पर आके रिसेप्शन पे भी आके अपना चैरिटी फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको ये बताएंगे कि आपको कहाँ पर चैरिटी देनी है, क्योंकि यहाँ पर आप ऐसे चैरिटी भी नहीं दे सकते। Am I right? That's right. Yes. Yeah? तो हमारे सारे locations इंडस्ट्रियल एरिया में ही होते हैं। Okay. क्योंकि वही तो है वो लोग जिसे हम खाना खिलाना चाहते हैं। तो डिजर्विंग लोग हैं जिन तक वो जिन तक खाना पहुँचना चाहिए। हाँ, तो आपको जो है हम इसकी डिटेल, कॉन्टैक्ट, एवरीथिंग हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। आपको रसल खेमा चाहिए, अजमान चाहिए, दुबई चाहिए, शारजा चाहिए, जहाँ भी चाहिए, इंशाल्लाह यहाँ से आपको ये सब सर्विसेज मिलेंगी। तो अभी चलते हैं जरा। जी नाज़रीन, तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखें आप, ये मील है प्रॉपर जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वाटर है, ये चॉकलेट है और ये रायता, जिसको हम साइड डिश बोलते हैं, चटनी, और ये बिरयानी है और उसके साथ चिकन है। तो ये एवरीथिंग जो है वो 3 धर्म है। राइट, किया बिल्कुल। ओके, तो मैम इस काम के अलावा आपकी UAE के अंदर क्या एक्टिविटी है, आप किन चीज़ों को देख रही हैं? ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि इस प्रोजेक्ट में से और एक प्रोजेक्ट निकल आया। okay. और उसकी वजह थी हमारा वेस्टेज, खुद okay. का वेस्टेज। okay. हम वो है जो एकदम कम से कम में अपना खर्चा चला के किसी तरह पेट भर रहे हैं। mm-hmm. लेकिन जब, क्योंकि हमारी खरीदी बहुत ज़्यादा है, okay. जैसे टमाटर प्याज हो गए, अदरक लहसुन हो गए, तो जब उन्हें ज़्यादा टन्स में लेते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें तो उसमें वेस्टेज होती है, एंड देर इज़ नो एस्केप कि वो तो होना ही था। तो वो सारी जो सड़ी हुई चीज़ें हैं वो ले जाके हम अपने फार्म में, रासल खेमा में डाल के एक्सपेरिमेंट करने लगे। तो हुआ ये कि कुदरत की मेहरबानी से उसमें से नए पौधे होने लग गए। उन नए पौधों में से नए टमाटर, नए प्याज, नई मिर्चियाँ सब होने लग गया। तो ये आज के दिन में, आज के दौर में भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है इंसानियत से बहुत दूर है, बहुत दूर है। सारे बच्चों के पास ज़रूर से टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स है, बिल्कुल, लेकिन बच्चों से पूछो कि पड़ोसी में, यानी रोड पे कोई है तो कोई भूखा है, या पड़ोसी की यू नो हालत अच्छी नहीं है, तो आपको पता है? उन्हें नहीं पता है। उन्होंने अपने हाथ से कभी कुछ अच्छा नहीं किया, क्योंकि हमने उन्हें नहीं सिखाया। इसीलिए एज फूड ATM हम बच्चों से हर महीने 3 धर्म का इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, एक मील खरीदवाते हैं, okay. और फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ उन्हीं स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज के बच्चों को ले जाते हैं बाहर, उनके हाथ से खाने दिलवाते हैं लेबर को।
नासरीन, मैं आपको बताता चलूँ सिस्टर आयशा खान का कि इनको माशाल्लाह से बहुत से अवार्ड मिले हैं। आज हम उन अवार्ड के बारे में भी इनसे बातचीत करते हैं कि कौन सा अवार्ड लेके सिस्टर आपको प्राउड फील हुआ हो, कि यू फील वेरी प्राउड फ्रॉम योर सेल्फ। जहाँ से मैं चली थी ब्रदर, वहाँ से आज एक दो तीन कबर्ड भर के अवार्ड होंगे ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता था। जिस हालत में हम थे, हम एक कल देखेंगे उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। तो आज जो कुछ भी खुदा ने दिया है, हर चीज़ ही मेरे लिए कीमती है। हर रिकॉग्निशन कीमती है। वी हैव द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रोजेक्ट इज़ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट न्यूयॉर्क, और मैं यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट UAE में डायरेक्टर हूँ फॉर लेबर एंड सिविल सोसाइटी। ये सारी अल्लाह पाक ने बहुत सारी इज्जत दी है, बहुत सारी रिकॉग्निशन दी है। बट आई वुड से कि मेरे दिल के सबसे करीब वो अवार्ड है जो हर रोज़ हज़ारों की तादाद में लेबर्स आते हैं मुझे एक थैंक यू कहने के लिए, क्योंकि शायद मेरी वजह से वो ये सोचते हैं कि मेरी वजह से आज उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी का बच्चा ग्रेजुएट हो गया जो उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी, किसी के माँ बाप का इलाज हो गया, किसी की बहन की शादी हो गई, किसी की नो लीकिंग छत जो है वो सील कर पाया। बिल्कुल ऐसे। सो आई ऑलवेज टेल देम, भाई देख तेरा रिज़िक है, खुदा तुझे देने ही वाला था, लेकिन खुदा ने मुझे जरिया चुना तो किस्मत वाली तो मैं ही हुई। तो ये मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है। तो नाजरीन, थैंक यू सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, हमें बहुत अच्छा लगा। एक हम और चीज़ करेंगे, अभी हम फूड को रिव्यू करेंगे। थैंक यू। और उसके साथ ये चिकन ये है और पराठा है, मतलब ये हमारा राइस मील हो गया, ये हमारा चपाती एंड सालन मील। मतलब चॉकलेट पानी तो सभी खाने के साथ जाता ही जाता है, लेकिन चपाती सालन इस तरह से होता है। ओके, हम बिरयानी की बात करें तो बिरयानी जो है खाने से ताल्लुक रखती है, अगर उसकी टेस्ट की बात करें, उसकी क्वांटिटी की बात करें। और ये चिकन जो है आप देख लें कि ये पूरा ही बोनलेस है, इसके अंदर कोई हड्डी का एक पीस भी नहीं है, और ये इस मील के अंदर अवेलेबल है। और टेस्ट, अगर आप चिकन नहीं भी है तो आप मज़े से जो है वो बिरयानी खा सकते हैं, इतनी टेस्टी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है। थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा है काम।